चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर आता है और काफी बेसिक तरीके से इसको सीखना है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो है व्हाइट बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक ही है, इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ ग्राफ के हेल्प से। एक मैंने पैराबोला का ग्राफ ले लिया। पैराबोला आप लोगों ने क्लास 11th में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा था कॉनिक सेक्शन में। ठीक है, ये पैराबोला ले लिया। जैसे ही मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करा, सही बच्चों को पता चल जाना चाहिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। मैं कुछ इंटरवल लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इधर -1 होता है, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर 1, 2, 3, 4 और इधर नेगेटिव वाला पार्ट, ये सभी बच्चों को पता है, बेसिक है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स को जो है हम जीरो से ज्यादा ले रहे हैं। जीरो से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, इधर वो साइड है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, इधर को साइड जाना है आपको। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक्स को शू 1, तो अगर ये मेरा जो फंक्शन है वाई को शू एक्स स्क्वायर, अगर एक्स का वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक्स 1 ले रहा हूँ तो y भी मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं x 2 ले रहा हूँ तो y हमारा 4 आ रहा है, आ रहा समझो, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग। इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। ठीक है, इफ x इज लेस देन 0, ठीक है, हमारा फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन जीरो, तो फिर क्या, एक्स इज लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, -1, -2, -3 ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू -3 पुट करता हूँ तो वाई हमारा कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, तो ये 9। फिर अगर मान लो एक्स -2 पुट कर रहा हूँ मैं तो वाई कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, 4। फिर मैं x को -1 पुट कर रहा हूँ तो y कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो एक चीज देख रहे हो, अगर मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ, जैसे -3, -2, -1 की तरफ मैं आ रहा हूँ, मतलब इंक्रीजिंग, मतलब x को मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर इधर मैं आ रहा हूँ तो x बढ़ा रहा हूँ, तो देखो y घटने लगा, 9, 4, 1, तो y क्या हो रहा, डिक्रीजिंग कर रहा है, मतलब x बढ़ा रहा हूं y कम हो रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था कि x तो बढ़ा ही रहा हूं मैं, x 1 2 बढ़ा ही रहा हूँ, y भी मेरा बढ़ रहा है, x 1 y 1 x 2 y 2, मतलब x को मैं बढ़ा रहा हूं तो y भी मेरा बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोनों में मैंने क्या करा। एक कंडीशन लिया मैंने x इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, तो मैंने नंबर पुट करके देखा तो y जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, मतलब इस साइड को जा रहा हूँ तो मतलब x की मतलब x में बढ़ा रहा हूँ तो y भी बढ़ रहा है, तो उसमें बोल दिया मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सेकेंड वाले केस में क्या करा मैंने, x जो है वो लेस देन जीरो लिया, मतलब -1, -2, -3 सब पुट करना है,
तो इस कंडीशन पे भी मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ओरिजिन की तरफ आ रहा हूँ तो बढ़ ही रहा है ना भाई, एक्स बढ़ रहा है। तो एक्स जब बढ़ रहा है तो देखो माइनस थ्री पे मैंने लिया तो वाई मेरा नाइन आ रहा है, तो नाइन कहीं पे आएगा यहाँ पे, ठीक है कहीं पे नाइन होगा, ठीक है। फिर एक्स माइनस टू लिया तो फोर आ रहा है, माइनस टू लिया तो फोर आ रहा है ना, माइनस टू लिया तो फोर आ रहा है, देखो घटने लगा यहाँ पे, मान लो कोई पॉइंट बनेगा घटने लगा। फिर माइनस वन लिए तो माइनस वन आ रहा, देखो घटने लगा ऐसे करके, ठीक है। और दूसरे वाले पे क्या हो रहा था, पहले वाले पे क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था ऐसे करके और ये घट रहा है। तो जो बढ़ रहा है उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, जो घट रहा है उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक लॉजिक देख करके आप लोगों को बता दिया। बट आप लोग जैसे ही ये एक्सरसाइज खोलोगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, डेट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। और फिर इंक्रीजिंग में फिर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और इंक्रीजिंग क्या होता है, तो चलिए आइए वो भी डिस्कस करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ सिर्फ इंक्रीजिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें अगर आप बोल रहे हो कि x2 जो है वो अगर मेरा x1 से ज्यादा है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ x2 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x1, ठीक है। सिर्फ इंक्रीजिंग वाले पे क्या होगा, अगर आपका x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो आपको बताना पड़ेगा f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x1। ये दो डिफरेंस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले में और इंक्रीजिंग वाले में। अब आप बोलोगे सर ग्राफ बना के थोड़ा सा बता दो और समझ में आ जाएगा, चलिए देखिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब सिर्फ इंक्रीज करना, सिर्फ इंक्रीज करना। तो कैसा ग्राफ होगा, मान लो ऐसा ग्राफ अगर हमने ले लिया तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने इसको x1 लिया x2 लिया तो x2 क्या है ग्रेटर देन x1 है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है f of x1 और f of x2, एक्चुअली ये f of x1 f of x2 क्या होता है, f of x को ही y बोलता हूँ। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं x को बढ़ा रहा हूँ, x2 मेरा बढ़ रहा है ना, x को बढ़ा रहा हूँ तो y भी मेरा बढ़ रहा है। देखो अगर तुम इधर की तरफ जा रहे हो तो x1 पे था तो f of x1, जब x2 ले रहा है तो f of x2, मतलब जब x तुम बढ़ा रहे हो इधर की तरफ जा रहे हो तो y भी बढ़ रहा है। जब ऐसा कुछ कंडीशन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग सिर्फ इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी तुमने एक ग्राफ ले लिया रैंडमली, मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है ना इंक्रीजिंग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है। बट ये वाला जो पार्ट आ गया ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, ये ऊपर मतलब कि एकदम कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी ये पूरा इंक्रीजिंग पूरा डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा कंडीशन भी आ सकता है बीच में, ठीक है, तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बारे में पढ़ा है, वैसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू जो है ना वो लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है। और सिर्फ डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, सिर्फ डिक्रीजिंग का मतलब हो गया अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 जो है ना वो लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x1, बस इसका चेंज एक करना है तो वो डिक्रीजिंग, मतलब इक्वल्स टू तुमने डाल दिया तो डिक्रीजिंग हो गया, इक्वल्स टू नहीं डाला तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसमें बड़ी बात नहीं है, उसको ग्राफ देख करके समझा ही देता हूँ। एक सिंपल सा ऐसा ग्राफ ले लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक इंटरवल ले लिया, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे करके ले लिया, ठीक है। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया। देखो हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये देखो ये आपका f of x2 है, ये आपका f of x1 है,
देखो जैसे मैं एक्स की तरफ इंक्रीज कर रहा हूं, ये देखो डिक्रीज करने लगा, ऐसा मतलब जिसको बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग। क्लियर है? चलो अब इसी में एक टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या बोलता है? मोनोटोनिक फंक्शन बोलता है क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है सिंगल बिहेवियर। मतलब अगर इंक्रीजिंग है तो मैं इंक्रीजिंग ही रहूंगा, डिक्रीजिंग है तो मैं डिक्रीजिंग ही रहूंगा, ठीक है? उसी को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। इफ इट इज आइदर ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग अपने इंटरवल पर, ठीक है? तो एक इसका एग्जाम्पल के तौर से समझा देता हूँ, साइन एक्स ग्राफ लेकर, ठीक है? साइन एक्स का एक ग्राफ लेता हूं मैं, कलर चेंज करता हूँ। देखिए साइन एक्स का ग्राफ अगर मैंने लिया है, इसे करके ड्रॉ करूंगा, ठीक है? साइन एक्स का ग्राफ लिया तो ये इंटरवल हो गया आपका पाई बाई टू, और इसको हम लोग लिख देते हैं पाई, और इसको लिख देते हैं थ्री पाई बाई, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ जो पार्ट है, थोड़ा सा मैं कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ का पार्ट इंक्रीजिंग है, तो देखिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बात बोलने जा रहा हूँ। क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल लेते हैं, जैसे अगर मैंने बोल दिया जीरो से पाई बाई टू, ठीक है? तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल रही है, ठीक है? अगर मान लो मैंने बोल दिया पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, ठीक है? उसको बोल देंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है? क्यों बोल देंगे? क्योंकि पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोग को बोल दिया था, क्या बोला था, आइदर आइदर ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग इन जो भी इंटरवल है, मान लो एक वहां भी लेट्स से एग्जांपल ले लिया मैंने, इंटरवल ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है? तो ये मोनोटोनिक वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो अब क्या होता है ना कि इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन दे दिया है और सबका ग्राफ पॉसिबल ही कि ये आप बना दो। अगर ग्राफ नहीं बना पाते हो तो फिर सर कैसे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो उस समय जो हम लोग हेल्प लेते हैं वो डिफ्रेंसिएशन का लेते हैं। तो तुम बोलोगे सर उसमें कुछ लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो हाँ कुछ थ्योरम्स है, तो इसलिए उसको लिखते हैं थ्योरम। लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड डिफरेंशिएबल on the open interval a comma b, then first f is strictly increasing in a comma b if f dash of x is greater than 0 for h x belongs to a comma b। अगर आपका f dash of x जो भी निकाल रहे हो f dash of x अगर वो 0 से बड़ा हो गया तो आप बोल देना कि strictly increasing। तो वैसे ही आपका f dash of f is strictly decreasing बोल सकते हो, decreasing in a comma b if f dash of x is less than 0 for each x belongs to a comma b।
ठीक है, अगर तुम्हारा जो एवरेज ऑफ निकाल रहे हो वो जीरो से कम आ रहा है तो उसको क्या बोल दोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, थर्ड क्या है कि अगर आपका, अगर आपका एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन एन एक मोबी, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन आप कब बोलोगे, जब आपका जो एफ डेस ऑफ एक्स है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जा रहा है तो आप बोल रहे हैं भैया कॉन्स्टेंट फंक्शन है, अगर तुम्हारा एफ डेस ऑफ एक्स जीरो से कम आ जा रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, एफ डेस ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। एकदम सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये आपको थ्योरम से आपको समझना है। अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अगर ये सब आपको अच्छे तरीके से वेल मैनर में चाहिए आप व्हाट्सअप कर लेना, अच्छे से नोट्स बना रखा हूँ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which the function f of x equals to 3x to the power of 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5। ठीक है, पहला जो आप लोगों को बताना है strictly increasing, और जो दूसरा बताना है दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपको करना है, एक फंक्शन दे रखा है आपको, इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल कब हम लोग निकाल सकते हैं, जब उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी, है ना, x की जब कुछ वैल्यू आएगी तभी हम लोग इंटरवल उसका निकाल पाएंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए f of x क्या है हमारा, f of x है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5। f' of x निकाल दें, f' of x क्या हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x। अब उसको मैंने एफ डेस ऑफ एक्स को जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल जीरो 24x। तो 12x ले लो कॉमन जैसे ही लिया तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल जीरो, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल जीरो। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक बार जीरो, एक बार 2, एक बार माइनस 4, तीन वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सभी बच्चे हमसे क्वेश्चन या बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा, सर हम रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि सर कोई फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट किया इक्वल टू जीरो किया एक्स की वैल्यू आ गई, है ना, वहां से इंटरवल निकल जाएगा, बट सर कर क्यों रहे हैं, एड्रेस ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो कर क्यों रहे हैं। तो भाई तुम लोगों को टेंजेंट एंड नॉर्मल में बताया था कि ये जो एड्रेस ऑफ एक्स है ना, एड्रेस ऑफ एक्स इसी को बोलते हो डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स होता है क्या, स्लोप। ठीक है, और स्लोप जीरो कब होता है, स्लोप जीरो कब होता है, जब कोई भी मान लो कर्व है, जैसे मान लो ये कर्व, ठीक है, ये कर्व, ठीक है, अब ये इसका जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ना, तो वो क्या होगा, जीरो होगा, और यही उसका क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यही पॉइंट के बाद ये मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है तो इसी पॉइंट के बाद वो डिक्रीज भी करेगा, तो यही पॉइंट डिसाइड करेगा कि कहां से इंक्रीजिंग है कहां से डिक्रीजिंग है, तो वही ये पॉइंट निकला है 0 टू माइनस 1, दैट इज द कॉन्सेप्ट। आया समझ में, चलिए एकदम डेप्थ में बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम रट्टाफिकेशन नहीं करना, मैथ्स में नो रट्टाफिकेशन, बस समझना है। चलिए ये इंटरवल तो निकाल दिए, अब क्या इसका नंबर लाइन में ड्रॉ करो, कलर में थोड़ा यहाँ चेंज कर लेते, नंबर लाइन में ड्रॉ करो, तो मैंने नंबर लाइन में ड्रॉ कर लिया।
इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर होगा प्लस इन्फिनिटी, जीरो जीरो बीच में, माइनस वन इधर होगा, टू इधर होगा, ठीक। अब देखो तीन पॉइंट आया ना तो चार इंटरवल निकलेगा। पहला इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, फिर हो जाएगा माइनस वन से जीरो, फिर हो जाएगा जीरो से टू, फिर हो जाएगा टू से इन्फिनिटी। अब आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होगा और कैसे पता लगाएंगे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि जो इंटरवल है उसका कोई भी एक बीच का पॉइंट ले लो, जैसे माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन है, जिसके बीच का पॉइंट क्या मुझे दिख रहा है, मैं माइनस टू ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा ना कहीं पे माइनस टू है ना, तो मैंने माइनस टू ले लिया इसके बीच का, इसके बीच का माइनस टू ले लिया। अब ये माइनस टू में पुट कहाँ पे करूंगा, इस पे नहीं, एफडेस ऑफ एक्स पे पुट करेंगे, ठीक है, एफडेस ऑफ एक्स पे पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आंसर जो है, जैसे इसको यहाँ पे, ये माइनस टू को यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ये आएगा माइनस 96, मैंने तो कर रखा है माइनस 96, तो 96 से मतलब नहीं है हमको, माइनस वाले साइन से मतलब है। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो बोल देना डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर देखिए माइनस वन से जीरो, इसके बीच में क्या तुम पुट कर सकते हो, माइनस वन बाई टू पुट कर देना, ठीक है। फिर हमको साइन चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा इस बार, तो पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, ठीक है। और एक बेहतरीन शॉर्टकट बताओ, सबसे बेहतरीन शॉर्टकट एग्जाम में बस चेक करने के लिए करो, अगर एग्जाम में आएगा बनाने के लिए तो भाई ऐसा ही लंबा प्रोसेस आपको करके दिखाना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर खुश होकर के नंबर देगा कि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है। और एक मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि राइट हैंड साइड से चलना, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जो प्लस वाला पार्ट है वो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव वाला पार्ट डिक्रीजिंग है, प्लस वाला पार्ट इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। चेकआउट करना, देखना मेरा ये ट्रिक फिट बैठ रहा या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। चलो ये भी आप लोगों को पार्ट बता दिया, अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, उसके बाद ये टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है सो दैट अच्छा, ये पिछले वाला जो एग्जाम्पल जो मैंने लिया ना वो सीबीएसई में आ चुका है, ये सीबीएसई 2014 में आ चुका है, सीबीएसई 2014 में आ चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सो दैट द फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3 इज strictly increasing on r, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ये आपको क्या बोला, सो दैट द फंक्शन फंक्शन गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, क्योंकि दोनों कंडीशन में अभी आप लोगों को जो बताया था मैंने कि x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 होता है। अगर हम लोगों ने ये बता दिया कि f ऑफ x2, देखिए अगर आपने ये कर दिया कि f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल्स टू वाला पार्ट कर दिया तो इंक्रीजिंग सिर्फ होगा। अगर तुमने ये कर दिया f of x2 is less than f of x1, तो ये क्या हो जाएगा, strictly decreasing, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपको x2 is greater than x1 लेना ही होगा, जो मैंने ले लिया। अब मेरा यहाँ पे क्या है, मिसिंग 7 है, तो यहाँ पे लिख देते 7x2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कर देंगे तो 7x1 हो गया। माइनस 3 भी हम लोग बोथ साइड कर देते हैं, माइनस 3 इधर भी, तो 7x1 माइनस 3। तो ये पूरा का पूरा टर्म को हम लोग क्या लिख सकते, सॉरी ये ये पूरा पूरा टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा 7x माइनस 3 है, तो एफ ऑफ एक्स टू डालोगे तो ये 7x2 माइनस 3 नहीं हो जाएगा, तो ये 7x2 माइनस 3 को एफ ऑफ एक्स टू लिख सकते हैं, वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन। तो जरा ध्यान से देखो, इस चीज को मैं ऐसे कर पा रहा हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम लोग क्या बोल देंगे, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ठीक है। आई होप हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो तो प्रैक्टिस होगा और अपना कॉन्सेप्ट का क्रिस्टल क्लियर कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।